प्रकृति बहुत सुंदर और अद्भुत है। कभी कभी प्रकृति ऐसे दृश्यों या घटनाओं का निर्माण करती है जो हमें हैरत में डाल देती है और सोचने पर मजबूर कर देती है। दोस्तों, आज मैं आपको प्रकृति की 5 ऐसी घटनाओं के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें देखकर आप न सिर्फ दंग रह जाओगे बल्कि आपका दिमाग चकराने लगेगा। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज तक आपने ऐसी हैरत अंगेज घटनाएं कभी नहीं देखी सुनी होंगी। ब्रिंकल। प्रकृति हमें हर बार अपने अलग अलग तरीकों से सरप्राइज करती रहती है। ब्रिनिकल उनमें से एक है जो पानी को अंदर से जमाने लगती है, फिर जो भी जीव इसके रास्ते में आता है वो इसे जमाकर मार देती है। यही वजह है कि इसे मौत की बर्फीली अंगुलियों के नाम से भी जाना जाता है। बबल बाथ फ्लड। दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जहाँ इस अजीब प्राकृतिक घटना को देखा गया है। यह घटना सच में काफ़ी अजीब है, जिसमें आपको चारों तरफ सिर्फ झाग ही झाग दिखाई देंगे। आखिरी बार इस घटना को 2007 में ऑस्ट्रेलिया में देखा गया था। समुद्र के अंदर एक तूफान आने के कारण समुद्र के किनारे काफ़ी मात्रा में झाग जमा हो गया था। बादल की तरह इस झाग को देखकर हर कोई हैरत में पड़ गया और लोग घरों से निकलकर इसका अनुभव लेने के लिए समुद्र के किनारे पहुंच गए। अंडर वाटर वॉल्केनो। ज्वालामुखी को फूटते हुए देखना काफ़ी शानदार लगता है, लेकिन काफ़ी डरावना भी लगता है। इसके अलावा पानी में लावा को बहते हुए देखना आप भी अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे। दुनिया में टोटल 522 एक्टिव ज्वालामुखी हैं, जिनमें से 68 ज्वालामुखी पानी के अंदर मौजूद हैं और कई ज्वालामुखी ऐसे हैं जिन्हें अभी खोजना बाकी है। आपने आज तक आग को पानी से बुझाते हुए देखा होगा, लेकिन पानी को आग से जलते हुए देखना आपके लिए काफ़ी अलग अनुभव होगा। आइस सुनामी। समुंदर में जब सुनामी की लहरें उठती हैं तो इससे भारी तबाही होती है। इन लहरों में इतना ज़्यादा पानी होता है कि इसके आसपास का इलाका डूब जाता है। अब जरा सोचिए, समुंदर में अगर बर्फ़ की सुनामी आए तो क्या होगा? हमारा मतलब है कि समुंदर में पानी की लहरें उठने की बजाय अगर बर्फ़ की लहरें उठने लगें तो क्या होगा? दरअसल इस घटना को आइस सुनामी कहा जाता है। कई बार समुंदर के अंदर भूकंप आता है जिसके लहरों में केवल बर्फ़ होता है। यह एक दुर्लभ घटना होती है जिसमें जमी हुई बर्फ़ समुंदर से निकलकर किनारे आ जाती है। हालांकि इससे किसी को कोई खतरा नहीं होता है। फायर टॉर्नेडो। आपने हवा के बाउंडर तो कई बार देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी आग के बाउंडर देखे हैं? आपको बता दें, दुनिया में ऐसी कई जगहें हैं जहां जमीन से बादलों तक आग के बाउंडर बन जाते हैं और इनके पैदा होने का कारण ज़्यादा तेज आग को माना जाता है। यह आग अपने रास्ते में आने वाली सभी चीज़ों को जलाकर नष्ट कर देती हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम जल्द ही मिलेंगे ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।